जय हिंद दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और भाई लोग, आज कुछ हम इडन प्लेसेस वगैरह और कुछ ग्लिचेज के बारे में बात करेंगे जो न्यू रूइंस का टीडीएम मैप आया। काफ़ी अच्छे ग्लिच है, काफ़ी इडन प्लेसेस है। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, जो ये आपने देखा होगा, यहाँ को ने मतलब बहुत बार ट्राई किया होगा बट ऊपर नहीं चढ़ा जाता। अभी आपको दिखाता हूँ ऊपर चढ़ के कैसे, फिर बताता हूँ कैसे चढ़ा जाएगा। तो ये देख लो, मैं आ चुका हूँ ऊपर बिल्कुल आराम से। देख लो, कोई मतलब बिल्कुल नॉर्मली आप आराम से आ सकते हो यहाँ से। ना आपको कोई देख पाएगा, आपके खुद के टीममेट्स भी देखना, मेरे टीममेट्स खुद को मेरे को नहीं देख पा रहे कि मैं कहाँ हूँ, रैंडम्स के साथ खेल रहा था मैं। अब आपको बताता हूँ ये कैसे होता है। आपको यहाँ पे बिल्कुल राइट साइड में आना है, जो ये जो मतलब पत्थर से रखे हुए हैं इनके बिल्कुल राइट साइड में आना है, और वहाँ से फिर जंप का ऑप्शन बार बार में दबाना है। आप आराम से बिल्कुल ऊपर पहुंच जाओगे। यहाँ पे आप बंदों को आराम से स्मोक कर दो, नेड कर दो। स्मोक तो नहीं मिलता बट गन वगैरह से आराम से मार सकते हो, वो सोच भी नहीं सकता आप यहाँ पे बैठे होंगे। तो काफ़ी अच्छी ट्रिक है, काफ़ी अच्छा ग्लिच है, काफ़ी अच्छा हिडन प्लेस है, आप कुछ भी मान सकते हो। काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छा यूज करो आराम से आपका मतलब। देखो मेरे टीममेट्स, मैं गोलियां चला रहा हूँ बट ये देख नहीं पा रहा। तो 4 नंबर वापस आता है कि हाँ शायद बंदा हो बट उसको कुछ दिखाई नहीं देता। तो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्लेस, काफ़ी काफ़ी अच्छे हिडन थिंग्स हैं। तो आप जाके एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ कैसे है। राइट में आना है, जब का ऑप्शन दोगे आप बूम से ऊपर आ जाओगे आराम से। तो चलो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत बड़ा ग्लिच है जो नेक्स्ट वाला अभी जो मैं ये बता रहा हूँ पबजी का, बहुत ज़्यादा बड़ा ग्लिच है पबजी की तरफ से। तो आप ये देखो, ये दीवार में यहाँ पे आपको एक छेद सा दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको आना है बिल्कुल आराम से, और यहाँ पे जंप करके ऊपर, और यहाँ से भागोगे और एकदम से जंप का दबा दोगे, बूम आप यहाँ पर पहुँच जाओगे। मतलब ये बहुत ही बड़ा पबजी का ग्लिच है जो कि शायद अभी तक 0.00000 मतलब किसी को नहीं पता होगा, आपको सबसे पहले पता चल रहा है इस ग्लिच के बारे में। यहाँ पे आप आराम से आके बैठ सकते हो, प्लस फिर यहाँ पे आप आगे अपने मतलब साइड से ऊपर से, बंदा सोचेगा ही नहीं यार आप यहाँ पे बैठे होंगे, क्योंकि ये कुछ ऐसी जगह है मतलब बंदा माइंड में ही नहीं आएगी। साइड से मार सकते हो, लेफ्ट में मतलब पिक करके या कैसे मार सकते हो। तो ग्लिच को अपनाओ और हर मैच निकालो आराम से चिकन डिनर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। नेक्स्ट ट्रिक थोड़ी सी मतलब खुद की मेरी बनाई हुई चीज़ है। यहाँ पे देखो, ये आप आते हो, अब ये क्या काम आएगी यहाँ पे, आप मतलब जो ये अपना क्लाइम वाला ऑप्शन आया है उसके थ्रू आप ये कर सकते हो। कैसे, इस चीज़ का फ़ायदा क्या होगा मैं ये बताता हूँ। अब यहाँ पे मान लो ऊपर बंदे हैं, ऊपर बंदा आप पे मतलब कर रहा है बट आप वहाँ से जंप कर जाते हो, बंदा माइंड में क्या सोचेगा कि बंदा नीचे गिर गया, बट आप अपना जो लेज ग्रिप का यूज़ करके वापस छत पर आ जाओगे, प्लस उस पर आराम से फायर करके उसके आराम से मार सकते हो। काफ़ी अच्छी चीज़ है, अपना के देखो। मतलब बंदा ये सोचेगा आप नीचे जंप करके, बट आप लेज ग्रिप का यूज़ करके ऊपर छत पर आते हो और बंदे को आराम से लपेट लो, चीज़ का यूज़ करो, बहुत ही अच्छी है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन प्लेस की तरफ। ये देखो, यहाँ पे आपको ये पत्थर दिखते हैं, यहाँ पे भी लेज ग्रिप का यूज़ करके यहाँ पे ऊपर आप आराम से आ जाओ। अब देखो बंदों को आप कैसे आसानी से मार सकते हो, बंदा सोचेगा ही नहीं आप यहाँ पे बैठे हो। अब देखना मैं कैसे मारता हूँ, बंदों को मैं दिखूंगा ही नहीं, मेरे पे 1% भी गोली नहीं लगेगी, और मैं रैंडम्स के साथ खेल रहा था, किसी को कोई शक ही नहीं हुआ क्या कैसे सीन है। देखो अब इस बंदे को मतलब मेरा पता ही नहीं है, वो तो उसकी वजह से छिपने के लिए आया था, उसको मेरा तो पता ही नहीं है कि मैं कहाँ पे बैठा हूँ। ये लौंडा है देखो, मेरे पे तो इनका कोई फोकस ही नहीं है लिटरली 1% भी। तो आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हो आसानी से अपना गेम जीतने के लिए। तो मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रिक्स टिप्स और हिडन प्लेसेस है। प्लस जो छत पे सबसे मतलब आउट ऑफ द रुइंस स्टेडियम मैप है वो मैं वीडियो के एंड में या बीच में आपको बताऊंगा, तो वीडियो पूरी ज़रूर देखिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ, ट्रिक्स या टिप्स। यहाँ पे आपको छत में एक छेद दिख रहा होगा, यहाँ पे आप लेज ग्रिप का यूज़ करके ऐसे करो। अब इसका मतलब आप ये सोच रहे हो हाँ ये काम कर लेते, बट इसका फ़ायदा क्या होगा। अब मान लो छत पे कोई लोंडा है और आप पहले से छत पे हो और वो लोंडा आप पे मतलब फायर कर रहा है, तो आप इस छत में जाओ नीचे मतलब लेज ग्रिप का यूज़ करके वापस आ जाओ, बट उस बंदे को क्या लगेगा कि भाई आप मतलब नीचे गिर गए हो, वो उसका वो आपसे एम हटा लेगा, उसका माइंड कहीं और चला जाएगा, और उस पर फिर आप आराम से उसको मार सकते हो बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। तो इस चीज़ का भी आप यूज़ कर सकते हो लेज ग्रिप का यूज़ करके। मतलब लोंडा सोचेगा कि आप नीचे जंप कर गए और वो आप पे फायर हटा के करेगा और आप वहाँ पे आसानी से मार सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थोड़े से मतलब आपको कुछ हिडन प्लेस, जैसे पत्थर दिख रहे हो आप यहाँ से नहीं चढ़ सकते बट इस पत्थर पर आओ,
और यहाँ से फिर आप एक मतलब वही है लेज ग्रिप का यूज करके भाग के, यहाँ पे लेज ग्रिप का यूज करके इन पत्थर पे आ जाओ। अब देखो आपके पास है हाई मतलब हाइट का एडवांटेज, तो हाइट का एडवांटेज हमेशा पबजी में मैटर करता है, तो आप यहाँ पे हाइट से इन सबको आसानी से मार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब यहाँ पे वो कोई आपको एक्सपेक्टेशन नहीं होती, मतलब ये तो है यार देखो पता तो चली जाएगा, बट वन टाइम के लिए एक्सपेक्टेशन नहीं होती। यहाँ पे आप आसानी से सभी को मार सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ है, आपको काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो यूज करो और हर मैच निकालो आसानी से, मतलब डिनर डिनर करो। अब कर बढ़ते हैं नेक्स्ट, मतलब कुछ हिडन प्लेसेज, कुछ अच्छी थिंग्स की तरफ। यहाँ पे आपको साइड में देखो दीवार दिख रही, मतलब दीवार के पास साइड में ऐसे आप आगे लेट सकते हो, ये थोड़ा सा घास है। देखो बंदो बंदों का मेरे पे ध्यान ही नहीं है, 1% भी किसी ने नहीं सोचा कि मैं यहाँ पे सोया हुआ हो सकता हूँ। आसानी से आओ यहाँ पे, और देखो फायर हम इतनी दूर तक कर सकते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा दूरी हो जाती है लेटने के बाद, तो आप आसानी से बंदों को मार सकते हो, गिरा सकते हो, उनको ख़त्म कर सकते हो। तो इसका भी यूज करो, काफ़ी अच्छी ट्रिक है, टिप्स है, या आप इसको हिडन प्लेस बता मान सकते हो। और निकालो हर मैच को चिकन डिनर बिल्कुल बूम बाम से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट थिंग की तरफ, यहाँ पे भी लेज ग्रिप का बहुत ज़्यादा यूज होगा, जो अब मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ इसके अंदर। तो आपको यहाँ पे आना है, यहाँ पे आना है और भाग के चढ़ोगे, और यहाँ पे लेज ग्रिप का यूज़ करके यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आके लेट जाओ। अब बंदों को देखो जो सामने से दिख रही है, यहाँ से बंदे बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे आते हैं, तो उनका माइंड ही नहीं होगा कि आप यहाँ पे सोए हुए, पहले से नेड कर दो, प्री नेड करके फेंक दो, और वहाँ से आसानी से उनको ख़त्म कर सकते हो बिल्कुल ही आसानी से। ये भी काफ़ी अच्छा हिडन प्लेस है, ग्लिच तो है नहीं बट हिडन प्लेस है। और अब आते हैं नेक्स्ट हिडन प्लेस की तरफ, यहाँ पे पत्थर दिख रहे होंगे, और यहाँ पे आप बूम करके मतलब फिर से आप जंप करके यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आपके लेट जाओ। ये जो सामने दरवाज़ा दिख रहा है, यहाँ से बंदे काफ़ी आते जाते हैं, तो यहाँ से भी उनको आप आसानी से मार सकते हो, गिरा सकते हो, ख़त्म कर सकते हो, नेड वगैरह प्री नेड करके फेंक दो। तो ये भी काफ़ी अच्छा हिडन प्लेस है, आप इसको भी लेके चल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन प्लेस की तरफ, ये थोड़ा सा अलग ही तरह का हिडन प्लेस है। आप यहाँ पे आओ, ऊपर चढ़ जाओ, और यहाँ पे जाके लेज ग्रिप का यूज़ करके इस पत्थर पे आ जाओ। इस पत्थर पे आने के बाद अब देखो ये पत्थर थोड़ा सा ऐसी जगह पे है कि भाई मतलब बंदा सोचेगा नहीं कि आप उस पत्थर पे जाके भी बैठे हो सकते हो, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग जगह पे, इधर से थोड़ा सा इस ब्रिज का मतलब रह जाता है कि वो नहीं दिखता। तो इन चीज़ों को यूज करो गाइज, और आसानी से आप अपना हर मैच चिकन डिनर प्लस हर मैच जीत सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छी किल्स भी मिलेगी क्योंकि लोंडे वहाँ पे आते हैं। अब बात करते हैं जो बाहर जाने वाली, जो अपनी मतलब कैसे ग्लिच क्या होता है। इस ग्लिच के लिए गाइज आपको थोड़ा सा स्पेशल वर्क करना पड़ेगा, ये ग्लिच ऐसे नहीं होता नॉर्मली। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, इस वीडियो को आपको अराउंड 10K लाइक्स तो देखो पहुँचाने होंगे, तभी मैं ये ग्लिच बताऊँगा। ऐसे नहीं है कि ये ग्लिच मैं ऐसे ही बता के आप सभी को छोड़ दूँगा, मतलब यार ये ग्लिच थोड़ा सा स्पेशल ग्लिच है, नॉर्मली ये ग्लिच ऐसे नहीं होता। मतलब आप ऐसे सोचो कि हम 1 सेकेंड में इस ग्लिच को कर देंगे, ये वो वाला ग्लिच नहीं है, बहुत ही यूनिक टेक्निक है इस ग्लिच के पीछे। ऐसी बात नहीं है कि होता नहीं, बिल्कुल आसानी से हो जाता है, ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए बस एक मेरे को स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि वो अराउंड 10 से 15 मिनट की तो अकेली वीडियो ही हो जाएगी। ये ग्लिच करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो यार मैंने सोचा इसके लिए थोड़ा सा स्पेशल वर्क करना पड़ेगा आप सभी को। जो आउटसाइड द मैप है, आपको इस वीडियो पर 10K लाइक्स पहुँचाने होंगे, तो और चैनल को सब्सक्राइब तो आप सभी को करना ही होगा। ग्लिच जैसे ही हो जाएगा, मतलब आप कर दोगे ये सारी चीज़ें पूरी, आपको जस्ट दूसरे दिन वीडियो मिल जाएगी चैनल पे 100% बिल्कुल आसानी से। अभी तक यूट्यूब पे नहीं आई है तो गाइज बहुत ही अच्छी टिप्स ट्रिक्स हैं ये, तो इनको फॉलो करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, और जहाँ तक हो सके मतलब आप 10K लाइक्स का टारगेट पूरा करवाओ इस ग्लिच को अगर आपको पाना है। बेस्ट हिडन प्लेसेज मैंने बता दिए, कुछ ग्लिचेज पबजी के हैं सभी मैंने बता दिए हैं आप सभी को, तो इन सबको आप देख सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपको ग्लिच देखना है कि कैसे हम बाहर जा सकते हैं, तो वो क्लिप मेरी नहीं थी जो मैंने अभी बताई है, वो एक मेरे भाई फ्रेंड की है जिन्होंने इस ग्लिच को पता किया है। फ्यूचर में सभी चीज़ें मैं उनका चैनल वगैरह सब कुछ दे दूँगा, जैसे इस ट्रिप इस मतलब बाहर जाने वाली ट्रिक का पूरा अच्छे से मैं समझाऊँगा, एक्सप्लेन करूँगा आप सभी को। तो जहाँ तक हो सके करो शेयर, करवाओ, 10K लाइक्स हो जाएंगे उसी दिन आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मतलब शुक्रिया, आदाब, सत श्री अकाल, आप सभी ने इतना सपोर्ट दिया, तो
मिलते हैं वीडियो साथ, तब तक राम राम, जय हिंद, जय भारत भाई लोग। और आने वाले टाइम में आपको अच्छे अच्छे गेम प्लेज मिलेंगे, ये टिप्स ट्रिक्स की मतलब रूइंस की टिप्स ट्रिक्स, अभी तक जितनी मेरे को पता चली है मैंने सारी बता दी है, कोई नई आती है तो मैं नहीं बताता हूँ, बट अभी तक मेरे माइंड में इतनी ही थी, इतनी माइंड में क्या, मेरे को इतनी ही मिली, मैंने कहीं से देखी नहीं। सबसे पहले यूट्यूब पर वीडियो मैंने एक पहले भी डाल रखी है, आप उसको भी जाके देख सकते हो, मैंने ही डाली थी। तो मिलते हैं, राम राम, जय हिंद, जय भारत।